गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सर, एनआईपीटी टेस्ट और एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, विच वन गिव्स बेस्ट रिजल्ट फॉर बेबी हेल्थ? गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और हम एक रेगुलर आईवीएफ करते हैं, फीटल मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी का भी बहुत सारा काम करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज द क्वेश्चन, द एनआईपीटी एंड विच वन इज बेस्ट, एनआईपीटी और एमनियोसेंटेसिस फॉर बेबी हेल्थ? आई हैव जस्ट मेड अ वीडियो ऑन एनआईपीटी, हाउ एफिशिएंट एनआईपीटी इज टू डायग्नोस एक्चुअल फीटल हेल्थ, एक्चुअल फीटल क्रोमोसोमल डिजीज। सो एनआईपीटी इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड समटाइम्स इट इज कॉल्ड डिसरप्टिव टेस्ट ऑल्सो, बिकॉज इट मेक्स अ डिसरप्शन योर थॉट इन योर थॉट प्रोसेस। इफ डबल मार्कर इज पॉजिटिव एंड नाउ यू डू एन एनआईपीटी टेस्ट, द एनआईपीटी टेस्ट आइदर कम्स और नेगेटिव, आदर कम्स पॉजिटिव और नेगेटिव, देन विथ पॉजिटिव यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन टू मेक द टर्मिनेशन और वॉट एवर यू वॉन्ट। विथ नेगेटिव यू कॉन्ट बी श्योर दैट इट इज एक्चुअल नेगेटिव और नॉट। इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज नॉट 100% दैट इट इज पॉजिटिव। सो टू मेक अ कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस आइदर इन पॉजिटिव और हाई रिस्क डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर फॉर डाउन सिंड्रोम एंड अदर कॉजेज, वी डेफिनेटली नीड कन्फर्मेटरी टेस्ट टू गेट अ साउंड स्लीप। अदरवाइज एनआईपीटी विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, इट डजेंट गिव, इट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इट इज दैट शुड नॉट डू अ टू स्क्रीनिंग टेस्ट अननेसेसरी स्पेंडिंग मनी। सर, एक साल पहले सी सेक्शन हुआ है, अभी 5 महीने की प्रेगनेंसी है, क्या ये भी सी सेक्शन से ही होगा या नेचुरल हो सकता है? ये वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन एक अलग चैप्टर है, वी बैक बोलते हैं उसको, और ये डिपेंड करता है कि एवरी डिलीवरी, एवरी लेबर इज अ एग्जामिनेशन, एंड इफ सिजेरियन सेक्शन पहले यदि हो रखा है तो सिजेरियन सेक्शन का चांसेस डेफिनेटली बढ़ते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की प्रॉब्लम होती है, पेशेंट की तरफ से भी, डॉक्टर की तरफ से, तो अधिकतर सिजेरियन होते हैं। बट इफ एवरीथिंग गोज वेल देन यू कैन गो फॉर, आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर सकते हैं, पर थ्रेशोल्ड थोड़ा कम रहता है उसमें। टीटी ऑपरेशन हो चुका है, दोबारा बच्चा लेने के लिए क्या ऑप्शन बेस्ट है? जो पर्सनली मेरा जो ऑप्शन है दैट इज आईवीएफ, बट यदि आपकी उम्र कम है और आपने लेप्रोस्कोपिक टीटी करवाया है तो उसका रिवर्सल का चांस सिजेरियन के समय जो टीटी हुआ उससे बेहतर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्यूब की कंडीशन कैसी है, आपकी एज कितनी है, आपका एएमएच कितना है, ये सब डिपेंड करता है कि आप टीटी का रिवर्सल वाला ऑपरेशन कराएं या फिर आप सीधा आईवीएफ में जाएं। यू आर द वन ऑफ द नॉलेजेबल गायनेकोलॉजिस्ट इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। सर, मेरा यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है और पीरियड भी नहीं आता, क्या बच्चा हो सकता है? ये पीरियड नहीं आता और यूट्रस का साइज छोटा है, इसका वीडियो में जवाब देना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये क्यों है, ठीक हो सकता है कि नहीं, ये आपके आने के बाद या फिर आप किसी अच्छे रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन के पास जाके पता कर सकते हैं कि वास्तव में आपको हुआ क्या है और ये रिकवरेबल है कि नहीं, ठीक हो सकता है कि नहीं, और यदि ठीक हो सकता है तो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एरर टेस्ट की वैलिडिटी कब तक होती है? 39 मंथ्स तक रहती है। मेरा एएमएच 0.85 है और एक ट्यूब निकाल दी गई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी से, क्या आईवीएफ कराना बेस्ट होगा? बेस्ट होगा, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज 0.8 एएमएच में यदि पहले एक्टोपिक हो रखा है तो आपकी दूसरी ट्यूब बहुत अच्छी नहीं है और एएमएच भी कम है, बहुत वेट करना ठीक नहीं रहेगा। सर, मेरे 2 आईवीएफ फेल हुए हैं, अभी नेचुरल प्रेगनेंसी हो गई है, ट्राइसोमी 21 पॉजिटिव आया है, क्या करना चाहिए? ट्राइसोमी 21 यदि पॉजिटिव आपका डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर में आया है तो आप प्लीज़ कन्फर्मेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा के एमनियोसेंटेसिस करा के उसको कन्फर्म करिए। सर, पहली बार आपके हॉस्पिटल में आने के लिए क्या पीरियड से फ्री होकर आना पड़ता है? हमारे हॉस्पिटल में यदि आप ट्रीटमेंट के प्लान से आ रहे हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं। अवॉइड करें पीरियड के समय, क्योंकि यदि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करना होता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, अदरवाइज पीरियड फ्री होने के बाद आना ज़्यादा बेहतर है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, और ये चैनल, यदि ये आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए ताकि दूसरों तक ये जानकारी जा सके, और हमारे सोशल मीडिया के जो दूसरे हैंडल्स हैं, फेसबुक में आइडियल फर्टिलिटी और इंस्टाग्राम में आइडियल फर्टिलिटी, पर जाके भी आप अपने सुझाव या अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।